7 साल के बुड्ढे या 7 साल के जवान? आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर अंकल जी मिल गए। आज अकेले ही आए थे। रोज की तरह आंटी साथ नहीं थी। ग्राउंड के 10 चक्कर लगाकर वो बेंच पर बैठ गए सुस्ताने के लिए। मैं वॉक के पश्चात वहीं बैठकर योगा कर रही थी। मैंने योग के बाद पूछा, अंकल आज आंटी नहीं आई? हाँ, आज थोड़ी अस्वस्थ है वो, थोड़ा बुखार है उसे। अच्छा, तभी आप चुपचाप बैठे हो, वरना आप तो इतना बतियाते हो आंटी के साथ कि आपको और किसी कंपनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बोलकर हंस पड़ी। अंकल भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। यू आर वेरी ब्यूटीफुल यंग लेडी। अंकल पहले आर्मी में थे, रिटायर्ड जनरल। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, ऊपर से रफ एंड टफ। मुझे पुरुषों में ऐसी क्वालिटी बहुत पसंद है। मेरे पति सौम्य जो है ना, करीबन करीबन उनकी भी कदकाठी बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल अंकल जैसे ही दिखते हैं वो भी। बड़ी शरीर हो बेटा, अंकल ने हंसते हुए कहा। मैं अब भी हंस रही थी। परंतु तुम बहुत ही शांत भी हो, समझदार भी हो और खूबसूरत भी। मुझे सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा। अंकल शायद समझ गए थे। बोले, अरे रे रे रे, गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। सुंदर को सुंदर कहना कब गलत होता है? बस इंटेंशन सही होनी चाहिए। क्यों जी अंकल? अंकल एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल, एक क्या दो बातें पूछो। अच्छा, आप इतने खुश मिजाज हैं और थोड़े से फ्लर्टी भी है ना, क्या क्या आंटी को बुरा नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, वो तो उल्टा कहती है, हाँ हाँ जाओ, जहाँ जहाँ अच्छी सूरत देखते हो फिसल जाते हो। अच्छा, ऐसा कहती है आंटी? हाँ बेटा, उसे ये पता है ना कि मैं सिर्फ फ्लर्ट करता हूँ, हर्ट नहीं। गलत तब होता है जब आप फ्लर्ट करते करते इश्क कर बैठो टाइम पास करने के लिए। शायद मैं गंभीर ना भी हूँ इसमें, पर सामने वाला तो हो सकता है ना। मैं अंकल की ओर गौर से देख रही थी। अभी वो थोड़ी देर पहले एक दिलफेक बुढ़े लग रहे थे मुझे, जिनके दिल में सुंदर औरतों को देखते ही मन मंदिर में दिया जल उठता होगा, ऐसा मुझे लगा था। उनकी बेबाकी देखकर ऐसी ही धारणा थी मेरी उनको लेकर, परंतु मैं गलत थी। अंकल ने कहा कि अरे मजाक करो, फ्लर्ट करो, मस्ती भी करो, परंतु किसी की जिंदगी को मजाक ना बनाओ, ये मेरा फंडा है। तभी वहां से मिसेस शर्मा गुजरी। हाय अंजी, गुड मॉर्निंग मेहता जी, कैसे हैं आप? बड़ी पिंकी पिंकी हो गई थी मिसेस शर्मा अंकल से बात करते हुए। अंकल ने खड़े होकर कहा, वेरी गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा जी, यू आर लुकिंग वेरी फिट एंड फाइन एंड ब्यूटीफुल टू। जवाब में मिसेस शर्मा जी हंस पड़ी। क्या मेहता जी आप भी? नो नो, आई रियली मीन इट मिसेस शर्मा। क्यों एंजी, मैंने सच नहीं कहा? ओ यस आंटी, स्टिल यू लुक वेरी एलिगेंट इन दिस एज। ओ थैंक यू बेटा फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। व्हाई डोंट यू पीपल ज्वाइन मी फॉर द टी एट माय प्लेस? चलिए मिस्टर मेहता और एंजी मेरे घर चाय पीने। आंटी फिर कभी, आज आरब को स्कूल भेजना है मुझे, घर जाकर अभी उसका लंच बॉक्स पैक करना है। थैंक्स आंटी, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे आपके यहाँ। हाँ मिसेस शर्मा, आपके हाथों की चाय तो मैं भी कभी मिस नहीं करता, परंतु अन्विता है ना, यानी कि मेरी पोटली, थोड़ी अस्वस्थ है, तो मुझे उसको चाय पिलानी है, गर्मा गर्म। लकी गर्ल, आज उसे मेरे हाथों की चाय मिलेगी। सब हंस पड़े। मिसेस शर्मा चली गई। मैं और अंकल साथ साथ निकले घर की तरफ। मेरा घर पहले आता है रास्ते में। अंकल ने कहा कि देखो बेटा, किसी से हंस बोल लेना, उसकी तारीफ करना, ये एक मैनरिज्म है, पर किसी को ये गलत फहमी देना कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उससे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, जो एक स्त्री और पुरुष के बीच होता है, ये गलत वाइब्स देना बहुत गलत है। मैंने अंकल को देखा, बहुत ही डैशिंग लगते हैं वो इस उम्र में भी। कोई भी महिला फिदा हो जाए उन पर और उनके अंदाज पर। वो चाहते तो मिसेस शर्मा के घर जा सकते थे, पर मना कर दिया। अंकल फिर बोले, देखो एंजी, संसार सुंदरता से भरा पड़ा है। मैं विवाहित जरूर हूँ, परंतु मन से चंचल होता हूँ मैं, खुद को पाता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषों को थोड़ा ऐसा ही बनाया है, और सुंदरता का कायल भी हूँ। मुझे लोगों से मिलना, बातें करना, हंसना हंसाना, ये सब बहुत पसंद है। मुझे महिलाओं की कंपनी भी बहुत पसंद है, उनसे बात करने से भी मुझे गुरेज नहीं है, परंतु मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। मेरा प्रेम मेरी अर्धांगिनी के लिए है,
जो कि एक स्त्री और पुरुष के लिए होता है, आपस में जो उन दोनों के बीच होता है प्रेम, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पोटली के लिए है। बस मस्ती करना और खुश रहना मुझे अच्छा लगता है, जिसे अनवीता समझती है। वो जानती है कि मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा, इसलिए उसे बुरा नहीं लगता। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ, कभी किसी महिला का दिल नहीं दुखाया और ना ही किसी पुरुष मित्र का। मेरा घर आ गया था। अच्छा बेटा, तुम चलो अपने घर निकलो और मैं भी चलता हूँ, कल मिलेंगे वॉक पर। अभी अनविता को जाकर चाय पिलानी है, फिर मुझे जुम्बा क्लास आज अकेले ही जाना होगा। आज पोटली के बगैर ही करनी होगी क्लास। कोई बात नहीं, आज मिस जेनी को साथ लेकर नाचेंगे। ये 55 प्लस का यंग डैशिंग चार्मिक बुढ़ा लकी गर्ल के साथ नाचेगा। ओके अंकल, बाय एंड टेक केयर। मैं जैसे ही मुड़ी, अंकल ने कहा, सुनो एंजी। जी अंकल। किसी पर पुरुष से हंस बोलने में कोई हर्ज नहीं है, यदि तुम उसे पसंद करती हो। जी अंकल। पसंद और प्रेम में फर्क होता है। पसंद कोई भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, पर प्रेम बस एक बार होता है, सच्चा प्रेम, जो कि एक ही बार होता है, जैसे तुम्हें सौम्य से है और मुझे अनविता से। ये ऐसा प्रेम है जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक खास के लिए होता है। बाकी दुनिया में आप सबसे हंसे बोले साधारण प्रेम बांटे, कोई दिक्कत नहीं। अंकल ये कहकर आगे बढ़ गए। मैं उनको चाहते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सच कहा उन्होंने सब कुछ। मुझे लग रहा था कि वे 60 साल के बुढ़े नहीं, 60 साल के जवान है सही मायनों में, जो अपनी मर्यादा में रहकर वो सब कुछ करते हैं जो जीवन को खुशगवार बनाता है। पहली बार देखा ऐसा यंग हैंडसम टॉल मर्यादित जेंटलमैन।